तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और इस ब्लॉग में। आज बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम चल पड़े बिजली महादेव, और बारिश भी लगी है हल्की हल्की। तकरीबन कुल्लू से आधा पौना घंटा लगेगा गाड़ी में बिजली महादेव को। उसके बाद अगर आराम से चलेंगे तो एक घंटा पैदल लग जाएगा। छोटे छोटे बच्चे वालों को आराम से चलना पड़ेगा इनके साथ, तो एक घंटा वहाँ से पैदल चलने को लगेगा। तकरीबन कुल्लू से गाड़ी में और पैदल चलने को 1.5-2 घंटे में बिजली महादेव पहुँच जाएंगे। हेलो रास्ते में आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, प्रसाद के पैकेट रखे हुए हैं, नारियल है, चुनरी है, बेचने के लिए रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अभिनंदन। अभिनंदन। और यहाँ भी छोटू राम जी बेच रहे हैं सामान। छुपा क्यों जा रहा हूँ तुम? तो अभी रास्ते में चल रहे हैं हम, तकरीबन आधा घंटा हो गया चलते चलते। आज भीड़ भी बहुत होने वाली है क्योंकि संडे है और लोग भी काफ़ी जा रहे हैं। आपको पीछे दिख रहे होंगे कितने सारे लोग हैं और आगे भी जा रहे हैं। कुछ लोग तो सुबह 4 बजे निकल चुके हैं और नीचे बहुत सारी गाड़ियां हैं। आधा अगर घंटा और लग जाएगा तो पहुंच जाएंगे आराम से। बारी बारी उठा रहे हैं इसे हम। अब मेरी बारी है इसको उठाने की। नींद आ रही है? अब आ गया मेरी पीठ में, तो भाई इसको उठाना। 15 किलो एक्स्ट्रा लगे। क्या प्रसाद बांट रहे हैं? अच्छा, प्रसाद बेचने वाले हैं। आज तो हर जगह रास्ते में खीर, पानी, अभी चाय पी रहे हैं। चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है इस गर्मी में भी। तूने पीनी? दीपू चाय पिएगा? ना, मैं तो पी ली, चाय ख़त्म हो गई। आराम से पी। अलीशा थक गई? ये जो कबाड़ का माल टूट गया। आप क्या 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 रखा है? धूप और प्रसाद। और फाइनली अब बिजली महादेव पहुंचने वाले हैं। ये देखो थक गए यार, पसीने पसीने निकल गए। और यहाँ भी खीर बन रही है। यहाँ पे ढाबों में आपको खाने के लिए मिलेगा सब कुछ, सीडू मामा, थुप्पा, दाल चावल, परांठे, सब कुछ मिल जाएगा। पर आज बिजली महादेव में भंडारा है, तो भाई जाके आज प्रसाद ग्रहण करेंगे। भूख आई बहुत ज़्यादा? किसने बोला था आने को? महादेव की शर्ट्स कितने कितने गए? सारे मतलब बच्चों के 200 हैं। और जो बोलेगी कुर्ता टाइप है, फुल आएगी, हाफ स्लीव है, ये भी 300 का है। अगर पहले मिलता मेरे को यहाँ, मैं लेने देते।
इतनी सुबह 4 बजे चले क्या? 2 बजे जय जय। तो अभी भंडारा चक्के आ गए, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आ गया, भूख भी लगी थी और सभी लोग इधर धूप का आनंद ले रहे हैं, धूप भी लगी है, हल्की हल्की हवा भी है। और ये देखिए पीछे खूबसूरत व्यू भुंतर एयरपोर्ट का। उधर आपको दो नदियाँ मिलती हुई दिख रही होनी, एक पार्वती नदी है, एक ब्यास नदी है। नदी का जल स्तर भी बहुत बड़ा है, जिस कारण देखिए कितनी मस्त दिख रही है एकदम से। और ये है मणिकर्ण वैली, ये देखिए यहाँ से जाते हैं मणिकर्ण को, और बीचों बीच पार्वती नदी बह रही है। तो अभी जा रहे हैं बिजली महादेव से वापस, और अभी फिर से चलना पड़ेगा। तो प्रसाद बांटते हुए नहीं बनाते वीडियो, हमने तो खा लिया था यार, खाया था हमने। ओ भाई अभी बहुत सारे लोग, ये तो शाम तक चले रहेंगे। फिर खत्म होता हुआ चल बड़े, ठीक है निकलो हैं, आगे लगाइए, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। ओ बच्चे ओके, पूरा मस्त सिस्टम रखा है, दिखा दे जा रहा है कि अच्छा आईपॉड रखा है, आईपॉड नहीं साउंड पॉड, अच्छा एक बोट का, बोट का है साउंड मस्त है नहीं। तो फाइनली पहुंच गए हम गाड़ी के अंदर, और चल के थक गए बहुत ज़्यादा, सारे थक गए, ये देखिए बच्चे भी थक गए, बच्चा पार्टी, और पीछे मैडम जी भी थक गए। अभी एक मैडम आ रही है, वो मोटे वाले बच्चे के साथ है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते हैं घर की तरफ वापस, एक घंटे से जाम से बेहाल भाई, जाम ने हाल ख़राब कर दिया है, अब तो खुल गया होना। तो फाइनली पहुंच गए हम घर और बहुत थक गए हैं अब। बिजली महादेव से कुल्लू तक लगता था वैसे 1.25 घंटा या 1 घंटा गाड़ी में, लेकिन आज हमें लग गए तकरीबन 2.5-3 घंटे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, संडे होने के कारण सारे लोग बिजली महादेव को जा रहे थे। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक इसे लाइक करें, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।